फ्रेंड्स, आप लोगों में से एक व्यूअर्स ने मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट किया था और वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आप मुझे बताइए कि अगर मेरे लोकेशन में अगर खाली एरिया है यानी खाली ज़मीन एरिया है तो उस लोकेशन को जो है मैं IOCL कंपनी या BPCL या HPCL कंपनी में जो है कैसे उस लोकेशन को ऐड कराऊँ वहाँ पर पेट्रोल पम्प ओपन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होने के कारण जो है मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, पर मेरे दिमाग में था कि मैं आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि अगर वो फिनेंशियली पूरी तरह से अगर साउंड है और उसके पास में खुद का ज़मीन है तो वो अपने उस लोकेशन को जो है किसी भी OMC कंपनी में, चाहे IOCL, BPCL या HPCL कंपनी, जो है अपने लोकेशन कैसे ऐड कराए वहाँ पे पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए वीडियो है बिजनेस, फ्रेंचाइजी और पेट्रोल पंप के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है अपने हिसाब से सर्वे करती है और वो देखती है कि किस किस लोकेशन में पेट्रोल पंप नहीं है, तो वैसे लोकेशन में जो है वो पेट्रोल पंप के लिए डोडो यानी कि डीलर ऑन डीलर ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट के लिए जो है विज्ञापन लेके आती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी खुद से सर्वे करती है तो बहुत सारे ऐसे लोकेशन भी रहते हैं जहाँ पे उनसे मिस हो जाता है और वो लोकेशन जो है एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन में नहीं ऐड हो पाता है। कहीं ना कहीं जब ये विज्ञापन निकल जाता है और आपको मालूम चलता है कि आपके लोकेशन के लिए विज्ञापन नहीं आया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दुख लगता है कि आपके एरिया में जो है दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है और उस लोकेशन में जो है पेट्रोल पंप का विज्ञापन नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब एक बार विज्ञापन निकल जाता है तो इसके बाद जो है आपको फिर से जो है 4 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है सारे का विज्ञापन जो है 4 साल में एक बार निकलता है। जैसे कि आपको पता है कि 2014 में निकला था, 2018 में निकलेगा, अब 2022 में आने वाला है तो नवंबर या दिसंबर के बीच में निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास में खुद का ज़मीन है और आप पूरी तरह से फिनेंशियली साउंड है तो आप अपनी लोकेशन को जो है अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एडवर्टीजमेंट लिस्ट में जो है आप अपनी लोकेशन को ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या लगता है कि सर हम अपनी लोकेशन को कैसे हम लोग यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एडवर्टीजमेंट लिस्ट में ऐड करवाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं झारखंड स्टेट के धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखूँगा कि मेरे धनबाद में किस लोकेशन में दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। तो जो भी लोग धनबाद से होंगे उनको पता होगा कि गोविंदपुर साहेबगंज रोड में जो है दूर दूर तक जो है कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप उस लोकेशन में अगर आपके पास में खुद का ज़मीन है और आप पूरी तरह से फिनेंशियली साउंड है तो फ्रेंड्स आप अपने लोकेशन को आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। सबसे पहला ऐड करने का मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मुझे पता है कि भाई धनबाद में कहाँ पे IOCL का ऑफिस है, BPCL का ऑफिस है, मुझे पता है। ठीक है, सपोज आप बिहार के औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं और आपको नहीं पता है कि औरंगाबाद में IOCL, BPCL या HPCL का डिविजनल ऑफिस कहाँ है। देखिए, पहला तो है कि आप डिविजनल ऑफिस सर्च कीजिए एंड दूसरा जो है आप टेरिटरी ऑफिस सर्च कीजिए। तो अगर आपको दोनों ऑफिस के बारे में जानकारी नहीं आ रही है कि नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे ऑफिस है, तो इसके लिए जो है मैं वीडियो के लास्ट में जो है सारे जोनल का जो है मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करूँगा और एड्रेस भी प्रोवाइड करूँगा, यहाँ तक मैं डिविजनल ऑफिस का भी कोशिश करूँगा कि आपको डिविजनल ऑफिस का जो है मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर सकूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का टेरिटरी ऑफिस सर्च करना है जिस भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में आप अपनी लोकेशन को ऐड करवाना चाहते हैं। सपोज़ मैं इंडियन ऑयल कंपनी में अपने लोकेशन को ऐड करवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले आप वहाँ पे ऑफिस विजिट कीजिए और ऑफिस विजिट करने के बाद आप वहाँ पे बोलिए कि सर मेरे पास में लोकेशन है और मेरे एरिया में जो है 4 या 5 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। सर वहाँ के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वहाँ के लोग जो है दूर दूर तक जो है पेट्रोल जो है फिल कराने के लिए जाते हैं। तो सर मैं अपने आप को एक एलिजिबल पर्सन मानता हूँ, मैं पूरी तरह से फिनेंशियली साउंड हूँ और सर मेरे पास में खुद का ज़मीन है। सर मैं चाहता हूँ कि सर आप मेरे लोकेशन को जो है आप अपने एडवर्टीजमेंट लिस्ट में आप ऐड कीजिए। तो वो आपको बोलेंगे कि सबसे पहले आप जो भी मेरा फील्ड ऑफिसर है आप उनसे बात कीजिए, ये आपको पहले बोलेंगे। तो
अगर आपको नहीं पता है कि कौन उनका फील्ड ऑफिसर है तो आप उनसे नंबर लीजिए और आप फील्ड ऑफिसर को कॉल कीजिए और आप पूरा डिटेल दीजिए कि ऐसा ऐसा है, तो वो फील्ड ऑफिसर जो है आपके एरिया को विजिट करता है। ठीक है, जब फील्ड ऑफिसर देखता है कि आपका एरिया जो है पूरी तरह से एलिजिबल है तो वो आपका लोकेशन ऐड करने के लिए जो है पूरी तरह से रेडी हो जाता है। वो आपके लोकेशन को जरूर ऐड करेगा अपने विज्ञापन के सूची में, सूची मतलब यहाँ पे लिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपका लोकेशन कैसे ऐड होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ पे बोलना तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है कि आप इस तरह से लोकेशन ऐड करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैं भी इसी तरह से बहुत सारे लोगों का जो है लोकेशन को ऐड कराया है और मैं जिनको गाइड किया हूँ वो भी अपना लोकेशन जो है इसी प्रकार से अपना ऐड कराया है। तो देखिए, कुछ ना कुछ काम करने के लिए आपको कुछ थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले ही डर जाएंगे कि नहीं मैं ऑफिस जाऊंगा वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड्स आप बेहिचक होकर जो है आप IOCL BPCL या HPCL को ऑफिस जाइए, वहाँ पे जो है आपको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि वहाँ के लोग जो है बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं और आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। और बहुत सारे लोकेशन हो सकता है कि वहाँ के लोग कुछ भी बोल के भगा देते होंगे, बट मैं झारखंड बिहार के लोगों को बोल रहा हूँ, मैंने ऑफिस विजिट किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है। और वहाँ के फील्ड ऑफिसर जो है आपके एरिया का जो विजिट करते हैं, इसके बाद वो आपको बताते हैं कि आपका ये जो ज़मीन है आप इसको ऐड करवा देंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। यानी कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका नेशनल हाईवे पर रहेगा तो आपको नेशनल हाईवे का गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका ज़मीन जो है वो सही तरीके से जो है उसके लिए मान्य होगा। और बहुत सारे ज़मीन में क्या होता है कि हाई टेंशन लाइन जो है वहाँ से क्रॉस किए रहते हैं, तो जिसके कारण जो है उसका जो लैंड एरिया है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। बहुत सारे जगह पर जो है कनाल्स मिल जाते हैं, इसके अलावा जो है पाइप का गैस लाइन जो है अंडरग्राउंड से पास होता है। इसके अलावा अगर कोई भी टोल प्लाजा अगर विद इन 1 किलोमीटर पड़ जाता है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको बहुत सारे परमिशन नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारा जो है गाइडलाइन आप पहले फॉलो कीजिए और आपको अपने हिसाब से लगता है कि आपका ज़मीन जो है पूरी तरह से जो है कंसिडर के लायक है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो है आप अपने लोकेशन को ऐड जरूर कराएं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यहां पे लोकेशन को ऐड कराते हैं तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप उस लोकेशन में पेट्रोल पंप ओपन करेंगे और वहां पे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी देंगे और वहां पे बहुत सारे रेवेन्यू यानी कि बहुत सारे जो है इनकम सोर्स भी जो है आप जनरेट करके आप देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपका ये काम जो है आने वाले समय में जो है लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया कि आप अपनी लोकेशन कैसे ऐड करवाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि अगर आप IOCL कंपनी में अपनी लोकेशन को ऐड करवाते हैं और आपको नहीं जानकारी है कि इसका ऑफिस कहाँ पे है, किस ऑफिसर से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें जो है सभी जोनल हेड का मैं आपको नंबर दूंगा और वहाँ से जो है आप उनको कांटेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल का अलग अलग स्टेट का जो है मैं सारे का यहाँ पे आपको कांटेक्ट पर्सन का नंबर भी दूंगा, जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पे डिविजनल ऑफिस और टेरिटरी ऑफिस की आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है। अगर आप ये सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो है AK रजनीश जी से कांटेक्ट कीजिए। ये जो है चीफ मैनेजर है यानी कि रिटेल सेल्स के, और यहाँ पे नंबर दिया गया और इनका मेल आईडी दिया गया। आप इनसे पूछ करके आप जानकारी ले सकते हैं कि इस लोकेशन में कहाँ पे टेरिटरी ऑफिस है या डिविजनल ऑफिस है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आप प्रतीक चटर्जी को कॉल कीजिए और यहाँ पे उनका नंबर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश वेस्ट या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे राहुल अग्रवाल का नंबर दिया गया है। ये जो है आपका फ्लिट मार्केटिंग यहाँ पे चीफ मैनेजर है, इनका नंबर दिया गया, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में अगर आप अंडमान निकोबार है या सिक्किम है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप मानिक विश्वास जी को कॉल कीजिए। इस यहाँ पे उनका नंबर दिया गया, तो आपको इनके थ्रू जो है टेरिटरी और डिविजनल ऑफिस की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखें तमिलनाडु में यहाँ पे अगर आप बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हुआ, केरला, कर्नाटका, गुजरात हुआ, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव हुआ, तो ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टेट कवर किए गए। उड़ीसा है, बिहार, झारखंड है, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब हुआ, चंडीगढ़ हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, तो ये सारे स्टेट के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है कंसर्न पर्सन का नाम और नंबर दिया गया है। तो आप जो है इनसे कॉल करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं कि सर अगर बिहार के लिए चाहिए तो यहाँ पे देख रहे बिहार में जो है बिहार झारखंड के लिए एक ही झा से जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो एक ही झा जी से बोले सर कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए सर मेरा टेरिटरी ऑफिस कहाँ पड़ेगा, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको HPCL के कंसर्न पर्सन का नंबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ईस्ट जोन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो है जोनल ऑफिस दिया गया है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम और उनका नंबर दिया गया है।
तो यहाँ पे ईस्ट जोन में कौन कौन सा कवर होता है देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट जोन में जो है आपका गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं नंदन गजबी जो है इनका जो है नंबर दिया, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्थ जोन दिल्ली के लिए यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब के लिए यहाँ पे जो है आपको अवधेश जी का नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु के लिए यहाँ पे आप सर्च कर रहे होंगे तो यहाँ पे उनका कृष्ण कुमार जी का जो है यहाँ पे नंबर दिया गया, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यहाँ पे संजय कुमार शर्मा जी का नंबर दिया गया, आप इनसे बात करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इस लोकेशन में कहाँ पर टेरिटरी ऑफिस या डिवीजन ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, राजस्थान में अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए जो है अम्बरीश टंडन जी है इनका नंबर दिया गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपका नागा श्रीनिवास का नंबर दिया गया है, तो आप इनसे बात करें, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको IOCL और HPCL दोनों का जो है मैंने यहाँ पर कंसर्न पर्सन का नंबर दे दिया है, तो आप इनसे बात करके भी जो है आप टेरिटरी ऑफिस जो है आप अपने एरिया का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप इनमें से कोई भी ऑफिसर को कॉल करेंगे तो आपके एरिया का जो भी फील्ड ऑफिसर होगा उनका भी नंबर जो है आप इनसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको धनबाद का दिखाता हूँ, यहाँ पे आप सर्च कीजिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफिस इन धनबाद, देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डिविजनल ऑफिस, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ बेकार बांध झाड़ूडी धनबाद, तो यहाँ पे जो है मुझे मिल गया। इस तरह से आप गूगल में भी सर्च करके जो है आप ऑफिस यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपके पास में लैंड एरिया है और आप अपने लैंड एरिया पे पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, तो आप अपनी लोकेशन को कैसे ऐड करवा सकते हैं। ऐड कराना बहुत ही ईजी तरीका, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपनी लोकेशन को ऐड कराना बहुत ही ईजी तरीका, बशर्ते यहाँ पे आपका जो भी खाली ज़मीन है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है हाई टेंशन वायर नहीं गुजरना चाहिए, किसी भी प्रकार कोई भी फॉरेस्ट का वहाँ पे लैंड नहीं होना चाहिए और ना ही कोई कनाल होना चाहिए, ना ही कोई अंडरग्राउंड जो है वहाँ पे पाइपलाइन गुजरना चाहिए। इसके अलावा जो है वहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर जो है कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट बाउंड्री शेयरिंग होना चाहिए। इस तरह के जो है बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आप ये सारे क्राइटेरिया को देख लीजिए। लैंड अगर आपका एलिजिबल है डेफिनेटली आप अपने लोकेशन को ऐड करिए, और इसके साथ साथ आप जिस लोकेशन में पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे जो है दूसरा पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो उसका 300 मीटर है पर मैं फिर भी 500 मीटर यहाँ पर बोल रहा हूँ, पर इस बात का आप खास ध्यान रखें, ठीक है। सेम कंपनी का नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप जिस लोकेशन को ऐड करवा रहे हैं IOCL कंपनी में तो आपका जो नेक्स्ट 500 मीटर है वहाँ पे जो है आपका IOCL कंपनी का कोई भी दूसरा पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है ऐड करवाने में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा पेट्रोल पंप के रिगार्डिंग तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप आइए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे पर्सनली आप मुझे मैसेज करके जो है आप अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में धन्यवाद, जय हिंद।